मंत्री की गरीब अन्न कल्याण योजना का हो रहा है बंटाधार। गोदाम की देखरेख कर रहे इंचार्ज की मिलीभगत से राशन की चोरी का वीडियो वायरल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पायल रावत और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। खबर उत्तर प्रदेश के जिला एटा के विकास खंड जैथरा से है, जहां प्रधानमंत्री की गरीब अन्न कल्याण योजना का बंटाधार हो रहा है। दरअसल गोदाम की देखरेख कर रहे इंचार्ज की मिलीभगत से राशन की चोरी का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो जैथरा स्थित राशन गोदाम का बताया जा रहा है। गोदाम के इंचार्ज ने कबूला वीडियो कुछ दिन पुराना है। आपको स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है, यह राशन की चोरी का वीडियो है। हालांकि प्राइम न्यूज 24 इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता। मामला गरीबों के निबालों से जुड़ा है और गरीबों के इन निबालों पर माफियाओं की नजर ऐसी है कि हटने का नाम ही नहीं ले रही। सरकारें आती रही और जाती रही, लेकिन इन निबालों पर माफिया डकैती डालते रहे, वो भी दिन में। आखिर डाले भी क्यों ना, जब ऊपर से नीचे तक ब्रिज सिस्टम ही इस गोरख धंधे में शामिल हो, आखिर उनका उखाड़ भी कौन कह सकता है। मामला जनपद एटा के जेथरा विकास खंड स्थित राशन की गोदाम का है, जहां दिन दहाड़े इंचार्ज की मौजूदगी में गरीबों के लिए आए राशन की बोरियों में सेंध लगाकर चोरी की जा रही थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में लगातार सर्कुलेट हो रहा है। जैथरा का ये गल्ला गोदाम लगातार चर्चा में बना हुआ है। कुछ दिन पूर्व ही तत्कालीन एसडीएम एसपी वर्मा ने राशन घोटाले की सूचना पर गोदाम सीज कर दिया था और गोदाम के संचालक कई दिनों फरार रहे। यकायक इंचार्ज महोदय अवतरित हुए गोदाम खुल भी गया और राशन की पूर्ति भी कर दी गई और जांच में सब कुछ ठीक पाया गया। वीडियो चंद दिन पुराना ही बताया जा रहा है। गोदाम के इंचार्ज महोदय भी बड़ी हनक के साथ कबूल रहे हैं कि राशन के कट्टों में सेंधमारी की जा रही है, वो भी उनकी मौजूदगी में। अब सब कुछ बंद कर दिया है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है और अब राजा हरिश्चंद्र की तरह राशन दुकानदारों को राशन दिया जा रहा है। सर, ये जैथरा में गोदाम जो है स्थित है, जहाँ से आज गल्ले का उठान हो रहा है। एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग पर्ची लगा रहे हैं। ये कौन लोग हैं और किसकी देखरेख में ये काम चल रहा है? ये पुराना है, नया नहीं है। मैंने तो अब उस बहुत टाइम से बिल्कुल डायरेक्ट दे रहा हूँ। अगर किसी डीलर को कोई आपत्ति है, अपना कांटा कराए, जो कम है मैं उसको पूरा दे रहा हूँ। अगर डीलर संतुष्ट होना चाहिए, वो पूरा दे रहा हूँ। सर, वीडियो जो दिखाई दे रहा है, पर्ची लग रही है, उसमें आप भी मौजूद बैठे हैं? नहीं, मैं बैठा हूँ। बहुत पुरानी पर्चियाँ, नई नहीं है ये। मैं अब जब से मुझे परेशानी हुई, मैंने सब खत्म करा दिया। डायरेक्ट सीधा गाड़ी से लोड कराता हूँ, सीधा ले जाओ। और किसी को समस्या है तो मुझसे कहे हाँ इस कम है, मैं उसको तुरंत देता हूँ। राशन चोरी का खेल समझिए। पहले तो गोदामों पर राशन चोरी, फिर दुकानदारों द्वारा घटतौली। ऐसे में प्रदेश की सरकार गल्ला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है कि गरीबों तक राशन पहुंच रहा है, माफियागिरी समाप्त हो चुकी है। अभी कुछ दिन पूर्व ही बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ एटा आए थे और मंच के माध्यम से लंबे चौड़े भाषण देकर राशन माफियाओं पर कार्यवाही की बात कर रहे थे। पिछली सरकारों की नीयत खराब थी। ये जो खाद्यान्न है ना, जो आज केंद्र और प्रदेश सरकार वितरित कर रही है, यही खाद्यान्न पहले खाद्यान्न माफियाओं के पास चला जाता था और उनके माध्यम से मार्केट में बिक जाता था। गरीब टकटकी लगाई देखता रह जाता था। माफिया हावी थे, गरीब के हक पर डकैती डालने का कार्य करते थे और आज माफिया हावी नहीं, आज पुलिस माफिया पर हावी है और माफिया अपनी जान बचाने के लिए मारे मारे फिर रहा है। यही अंतर है। ये अभी तो सीएम साहब को गए एक पखवाड़ा भी नहीं गुजरा, राशन खेल सामने आ गया। जब प्राइम न्यूज 24 ने इसकी पड़ताल की तो राशन के दुकानदार गल्ला गोदाम पर राशन उठा रहे थे। दबे मुंह तो सभी कहते नजर आए कि जब हमको ही कम मिलता है तो पूर्ति कहाँ से की जाए। ऑन कैमरा कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं था। हमने गुप्त कैमरे से लोगों से बातचीत की तो सब खेल समझ आ गया। हम 10,000 रुपए जाके लग गए। हम पब्लिक में एफडी पे दुकानों में भजन दौड़ने में 3 पैकेट में लीक मिले, उन्हें को लीटर सदाई हैं 3 लोग उनके केवल कम कितना मिलता होगा हमें ना लगभग मालूम कितना कम मिलता हो रहा तुम तो सब लगेगा तो आमटर कितना होता मतलब आपकी दुकान कितना जो है यूनिट है टोटल 540 से करीब 540 आपको कितना वजन मिलना चाहिए
नहीं चालान में जो वजन में तो लिखते हैं ना, चालान पे जो तो लिखो तो हमारा इतना आवंटन है, कितना वजन यहाँ से मिलना चाहिए आपको? एक चीज बता, आंगनबाड़ी एमडीएम आता नहीं, यहाँ से मिला मिल जमा चालान और नहीं दिया मैंने तुम से कही हमें और भाई से कही जी चालू करो ना ये वीडियो बता दो। अरे उन्हें बात तो करने दो यार, तुम अपना दिमाग क्यों लगाते हो? दिमाग लगना चाहिए, अभी चालू करो ना यहाँ उन्हें एग्री तो कर लेने दो ना। डीलर से बात करो, क्या बता रहे हो? बता नहीं आप ऑन कैमरा बताने को तैयार हैं इस बार? ऑन कैमरा रान दो, हम डीलर ना है, डीलर है अच्छा भैया भैया आपने बताया तो कही दिक्कत जो हम समझते जो पिछले बारे में रजिस्टर पे तो जाना पिछले रजिस्टर पे जन कब के इते में दस्तखत वहां की दावा कराएगा और भाई भी जन चढ़ाएगा और पुराने रिकॉर्ड में, हां पुराने रिकॉर्ड में दिए सीडीपीओ ने पूछी अपने के हम तो ले देंगे कि अपनो रजिस्टर लाइयो लिवायो डीले जो जी बोले अभी अपना अपना वीडियो के वो नहीं चढ़ाया आंगनवाड़ी और ये आंगनवाड़ी ने चढ़ोवे तो आंगनवाड़ी अपने की दो ही कुलदीप रात में दौर करू जो बोलोगे अरे वो कहा तो बांट दे दे दो समूह वाले को। अरे जू कहाँ तुमने दो मेरे बोले 26 तारीख की बात 26/6 एक महीना पूरा घुट गया है ना, एक महीना ना आंगनवाड़ी पूरा 26/6 में इसने चढ़ा लिया और 31/7 में हम जब लेके आए तो हमने तो चढ़ाए कैसे लोग क्यों राशन डीलर भी गोदामों पर सक्रिय राशन माफियाओं राशन बेचकर चले जाते हैं। गरीबों की निबालों की इस डकैती के खेल में गोदाम इंचार्ज से लेकर माफिया और विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं। इसीलिए सैकड़ों शिकायतें घत्तौली की आती हैं, परंतु इन पर कोई कार्यवाही नहीं होती। इतना ही नहीं, चाहे जनपद की कोई भी गल्ला गोदाम हो, गोदाम इंचार्ज के अलावा दर्जनों प्राइवेट लोगों का जमावड़ा भी रहता है जिनका राशन की हेरा फेरी करना है। ये लोग सिर्फ राशन दुकानदारों से डील करते हैं और गोदाम को मेंटेन रखते हैं। गजब बात तो ये है कि गरीबों के निबालों पर डकैती भी पड़ जाती है और माफिया डकार भी नहीं लेते। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चला रहे हैं, भ्रष्ट सिस्टम है कि गरीबों को ही कल्याण किए दे रहा है। प्राइम न्यूज 24 के लिए एटा से विकास दुबे की रिपोर्ट।